नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज, सीएम योगी करेंगे बैठक की अध्यक्षता। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मसौदे को मिल सकती है मंजूरी। अयोध्या में एसटीपी बनाने का प्रस्ताव भी होगा पास। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर एनआईए की रेड का दूसरा राउंड। उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापे। यूपी में 16 लोग गिरफ्तार। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में फिर बदलाव। 2 आईएएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। 6 पीएस अधिकारी भी किए गए इधर से उधर। कानपुर देहात के जौनपुर हाईवे पर रफ्तार का कहर। सड़क हादसे में 2 बच्चों की मौत, 1 घायल। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। कासगंज सदर कोतवाली में भाकियू स्वराज गुट और भाजपा किसान मोर्चा में छिड़ी खूनी जंग। भाकियू नेताओं ने की थाने में तोड़फोड़। हिरासत में लिए गए 1 दर्जन लोग। अब खबरें विस्तार से। लखनऊ लोकभवन में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक बुलाई गई है। इस कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए जाने की संभावना है। वहीं इस दौरान कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल सकती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित होने जा रही बैठक में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मसौदे को मंजूरी मिल सकती है। साथ ही साथ अयोध्या में एसटीपी बनाने का प्रस्ताव भी पास कराया जा सकता है और 10 एकड़ जमीन नगर विकास विभाग को देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ईडी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। उत्तर प्रदेश समेत 9 राज्यों में एनआईए और एटीएस एक साथ एक्शन में दिखाई दे रही है। यूपी एटीएस ने गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में छापेमारी कर 16 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एटीएस को इनपुट मिले हैं कि ये सभी पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। पीएफआई के गिरफ्तार कार्यकर्ताओं से पूछताछ के दौरान खुलासा हुआ है कि इनके मंसूबे खतरनाक हैं और नेटवर्क पूरे देश में फैल चुका है। इसके बाद देश भर की इंटेलिजेंस और सुरक्षा एजेंसियों ने पीएफआई का पूरा नेटवर्क खंगालने की कवायद शुरू की। 20 राज्यों और 100 से ज्यादा शहरों में इनका सर्विलांस शुरू हुआ। पता चला कि पीएफआई को खाड़ी देशों के अलावा देश के बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य विकास मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद बस्ती दौरे पर रहे, जहां मंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने भी ओम प्रकाश राजभर पर तंज कसा। संजय निषाद ने कहा कि राजभर को समझना बहुत कठिन है। राजभर का पैर एक जगह रहता नहीं है। बीजेपी के साथ थे तो हीरो हो गए, फिर सलाहकार नियुक्त कर दिया और सलाहकार ने उन्हें कहां पहुंचा दिया। भाई कहीं जमीन आप वक्फ बोर्ड, आपने कहा तो मेरा वक्फ बोर्ड है, यही हमारी जमीन है, फिर मुकदमा करके बेचारा घूमता रहे। तो सरकार सर्वे करके जानना चाहती है कि रियल में जहाँ वक्फ बोर्ड की जमीन है वो ले ले, और रियल में मदरसे में जो पैसा दिया गया किसके लिए, शिक्षा के लिए दिया गया, तो शिक्षा मिला कि नहीं मिला, क्या धर्म पढ़ाने के लिए संविधान बना हुआ है या ज्ञान देने के लिए है। बिना एकेडमिक शिक्षा के नेता लोग अपने बेटे को ISPCS बना रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर राजस्थान में मचे बवाल पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है। जिन्हें नेतृत्व और पार्टी पर भरोसा है वे कांग्रेस के साथ हैं। मिर्जापुर के विद्याधाम में मां विद्यावासिनी का दर्शन पूजन कर सांसद प्रमोद तिवारी मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। अब मेरे ख्याल से उनकी जुबान पर ताला लग जाना चाहिए, यहां अभिव्यक्ति की आजादी है। लगातार आता हूँ, लगभग पहले दिन लगभग इसी समय हमेशा माँ के चरणों में शीश नवाता हूँ। अपने लिए,
परिवार के लिए, अपने क्षेत्र रामपुर खास के लिए और संपूर्ण देश के लिए, भारत माता के लिए, सबके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ, एकता की, सुरक्षा की, सुख की, शांति की, समृद्धि के लिए। आज उसी प्रयोजन से फिर आया। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में फिर बदलाव हुआ है। यहां दो आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। इस दौरान प्रशांत नागर को मऊ में मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है। साथ ही प्रणता ऐश्वर्या इटावा में मुख्य विकास अधिकारी बनी है। इसके अलावा 6 पीसीएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया। राम सिंह वर्मा यूपी एसआरटीसी में मुख्य महाप्रबंधक बनाए गए हैं, जबकि संतोष कुमार को चिकित्सा और शिक्षा विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। दूसरी तरफ आयुष चौधरी को एटा में वित्त एवं राजस्व का एडीएम बनाया गया है और देवेंद्र सिंह नगर मजिस्ट्रेट जौनपुर बनाए गए हैं। साथ ही साथ ज्योति सिंह नगर मजिस्ट्रेट मुरादाबाद बनी है। उत्तर प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कनेक्शन के लिए कास्ट डेटा बुक में तय दर से ज्यादा वसूल की गई रकम 21 अक्टूबर तक लौटाने के आदेश बिजली कंपनियों को दिए हैं। नियामक आयोग इस मनमानी पर कड़ा रुख अपनाते हुए पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष समेत सभी बिजली कंपनियों के प्रबंध निदेशकों को 21 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। ये पहला मौका है जब आयोग ने बिजली कंपनियों के शीर्ष प्रबंधन से जुड़े 6 आईएएस अफसरों को एक साथ विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 142 के तहत नोटिस जारी किया है। इस धारा के तहत आयोग के आदेशों के उल्लंघन पर व्यक्तिगत रूप से 1,00,000 रुपए तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि आयोग के डेटा बुक का उल्लंघन कर करीब 100 करोड़ ज्यादा की वसूली की गई है। शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन वाराणसी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी है। महाब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के लिए दूर दराज से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, तो वहीं माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। आपको बता दें कि नवरात्र में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की महत्व है। ब्रह्मचारिणी देवी का शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन आज है। घर में सब लोग सुख समृद्धि के साथ रहे, लेके आए हैं घर परिवार पे, सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे हैं और क्या। खबर यूपी के सोनभद्र से है, जहां शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन ज्वालामुखी मंदिर में भक्तों का तांता लगा है। यहां मंदिर परिसर को नवरात्रि के अवसर पर विशेष तरीके से सजाया गया है, तो वहीं हर तरफ भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ज्वालामुखी मंदिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार राज्यों की सीमा से सटा है। ऐसे में यहाँ नवरात्रि पर पहले दिन करीब 25,000 से भक्तों ने मत्था टेका। करते चली आ रही है, इनके चरणों की सेवा करते चली आ रही है। यह सिंगरौली क्षेत्र माना जाता है। सिंगरौली क्षेत्र इसलिए माना जाता है कि यह श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली रही है, इसलिए इसका नाम सिंगरौली है। सिंगरौली कोई इंडिविजुअली जगह, एक विशेष जगह नहीं है। 1400 गांव की सिंगरौली है, 700 उत्तर प्रदेश और 700 मध्य प्रदेश। जिस स्थान में यह मंदिर बसा हुआ है, शक्तिपीठ है, जहाँ माता रानी का सती के जिह्वे का अग्रभाग गिरा हुआ यहाँ प्राप्त हुआ है और माता रानी के जिह्वे के अग्रभाग की यहाँ पूजा होती है। इसी तारतम्य में मैं बताता चलूं कि सखी का जो खंड गिरा और 52 जगह पर गिरा, लेकिन 51 जगहों का उद्धरण हो पाया, एक जगह का उद्धरण नहीं हो पाया जो पाकिस्तान में है। एक वहाँ का उद्धरण हुआ जो हिंगलाज देवी के नाम से जानी जाती है। और यह सिंगरौली का जो शक्तिपीठ है, यह माता रानी के सती के जिह्वे के अग्रभाग की पूजा होती है। शरद नवरात्र और चैत्र नवरात्र, दो नवरात्र पड़ता है। खबर यूपी के संभल से है, जहां मोहल्ला चमन सराय में बकाया वसूली पर लाइन काटने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों का लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। इस दौरान एक महिला ने आरोप लगाया कि बिजली कर्मचारी जबरदस्ती घर में घुस आए और अभद्रता करने लगे। वहीं विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बकाया वसूली पर लाइन काटने के दौरान लोगों की ओर से अभद्रता करने का आरोप लगाकर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। इस मामले में महिला और एसडीओ ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी है। बस बताया है सर बिजली विभाग का जी, इसके संबंध में इनकी कनेक्शन काटने के लिए गए थे। फिर क्या हुआ? जो सबके आदेश पे फिर उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। कौन लोग थे वो? शहजाद है, शानू है,
और एक और नाम है चला उनका। कितने लोग थे इसके साथ? और मोहल्ले वाले भी इकट्ठे हो गए। वैसे समस्या क्या, मैं तो फिर यहाँ रहता भी हूँ, लेकिन मैं आए दिन देखता हूँ यहाँ पर बिजली चेकिंग के नाम पर बड़ी गुंडागर्दी चल रही है। लोग पता ना बिजली चेकिंग में जो होता है तो जेई एसडीओ लोग साथ होते हैं या पुलिस वाले आते हैं तो हम लोग समझते हैं कहाँ पुलिस आई है। खबर उत्तर प्रदेश के कासगंज से है, जहां सदर कोतवाली में पुलिस के सामने भारतीय किसान यूनियन और बीजेपी किसान मोर्चा के सदस्यों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस घटना में भाकियू स्वराज गुट के नेता घायल हो गए। घायल हुए नेताओं के समर्थकों ने सदर कोतवाली में जमकर तोड़फोड़ मचा दी, साथ ही सरकारी अभिलेखों को भी तहस नहस कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी के अलावा अलीगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी दीपक कुमार कासगंज पहुंचे, जहां पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले एक दर्जन से अधिक स्वराज गुट के नेताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन स्वराज गुट के कार्यकर्ता कोतवाली में दारोगा पर अवैध उगाही का आरोप लगाकर धरना दे रहे थे, तभी भकायू स्वराज गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे और उनके समर्थकों ने डीएस लोधी पर हमला कर दिया। बाद में दोनों गुट आमने सामने हो गए और जमकर मारपीट हुई। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। आपस में हंगामा हुआ था, इस संबंध में जांच की जा रही है। इस संबंध में एसपी ने तत्काल हमें अवगत कराया और हम लोग यहाँ पर मौके पर आए हैं और पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में आज एफआईआर रजिस्टर्ड की जा रही है और जो जो लोग भी हंगामा करने में शामिल थे, जो भी पक्ष थे, उस पर हम लोग उचित और विधिक कार्रवाई करेंगे और विवेचना में की प्रगति में अन्य चीजें सामने आएंगी। यूपी के कानपुर देहात स्थित जौनपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। कानपुर झांसी हाईवे पर जौनपुर क्षेत्र में ट्रक ने आगे जा रहे तीन बच्चों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो मासूमों की दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक बच्चे की अस्पताल में नाजुक हालत बनी हुई है। इधर हादसे की सूचना पाकर पहुंचे परिजन अस्पताल में हंगामा खड़ा कर दिया, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने परिजनों से समझाइश की। वहीं घटना के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया। जैनपुर चौकी क्षेत्र में झांसी रोड पर पेप्सी चौराहे के पास में एक डीसीएम ट्रक में दो बच्चों को कुचलने से उनकी डेथ हो गई है और एक आगत है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां पर नौगवा सादात थाने में तैनात दारोगा कृपाल सिंह की ओर से किए गए थप्पड़ कांड पर बड़ा एक्शन हुआ है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधीक्षक आदित्य ने बड़ी कार्रवाई की और दरोगा कृपाल सिंह को निलंबित कर दिया। अमरोहा जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक राजीव सिंह ने कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी। वो वीडियो कहते हैं मीडिया में आया है, उसका संज्ञान लेते हुए एसएसपी महोदय ने इसमें जांच की है और जांच करके इसमें विभागीय कार्रवाई संस्पर्शन कार्रवाई कर दी गई है और आगे की कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में वोटर लिस्ट को अपडेट करने को लेकर बीएलओ की ड्यूटी कर रहे शिक्षक ने एसडीएम के फोन पर अभद्रता कर दी। एसडीएम और शिक्षक के बीच हुई नोकझोंक का ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया। वायरल ऑडियो को सुनकर डीएम अविनाश कृष्ण ने मामले का संज्ञान में लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को कार्रवाई के निर्देश दिए, तो वहीं डीएम के निर्देशानुसार बेसिक शिक्षा अधिकारी ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया। मामला मैनपुरी के तहसील कृष्णी से जुड़ा हुआ है। एक सहायक अध्यापक हैं पवन कुमार, इन्होंने एसडीएम जो वहाँ किशनी के हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अमर्यादित भाषा में बात की, तो उसके लिए हमने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और इसके लिए हमने एक जांच समिति भी बनाई है जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी बेबर जेपी पॉल और खंड शिक्षा अधिकारी घिरौर सुमित वर्मा की जो कमेटी बनाई है ये पूरी जाँच करके हमें आख्या उपलब्ध कराएगी, लेकिन तब तक के लिए उनको मैंने निलंबित किया। कानपुर में बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई दीप प्रकाश का मकान पुलिस ने सील कर दिया। कानपुर आउटर पुलिस ने लखनऊ के कृष्णानगर में इंद्रलोक कॉलोनी स्थित मकान पर कार्रवाई की। ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई है। बता दें कि पुलिस का दावा है कि अपराध से अर्जित रकम से संपत्ति अर्जित की गई थी। मकान की कीमत 1,40,95,000 बताई जा रही है। डीएम कानपुर के आदेश पर ही कार्रवाई हुई। के डीएम साहब द्वारा हमें आदेशित किया गया था, उसके क्रम में यहाँ पे
धारा 14(1) के अंतर्गत आज ये मकान सीज किया गया है। ये विकास दुबे द्वारा अवैध रूप से खरीदा गया था, जो कि अपने भाई की पत्नी के नाम पे खरीदा गया है और इसकी लागत करीब 1,40,95,000 रुपए है और ये अवैध रूप से खरीदा गया था, वहाँ से आदेशित हुआ, आज हम लोगों ने इसे यहाँ पे सीज किया है। खबर यूपी के औरैया से है, जहां शिक्षक की पिटाई से घायल हुए छात्र की इलाज के दौरान मौत पर बवाल जारी है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि आधी रात आईजी और एडीजी को मौके पर पहुंचना पड़ा। इससे पहले गांव में बच्चे का शव पहुंचने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी फूंक दी और पुलिस पर पथराव भी किया। वहीं देर रात सीनियर अफसरों ने पीड़ित परिवार से बातचीत की, अंतिम संस्कार के लिए परिवार को मनाया गया, लेकिन पुलिस द्वारा उपद्रव में शामिल लोगों की धरपकड़ की सूचना के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। इससे हालात फिर बिगड़ गए। हालांकि पुलिस ने एहतियातन अचलदा कस्बे के बाजार को बंद करा दिया है। कस्बे में कर्फ्यू जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं पीड़ित बाबू ने थाना पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि उसका भतीजा निखिल आदर्श इंटर कॉलेज अचलदा में पढ़ता था। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक अश्विनी ने टेस्ट लेने के बहाने छात्र निखिल की बेरहमी से पिटाई की, जिससे वह बेहोश हो गया। आनन फानन में स्कूल प्रशासन के द्वारा उसे सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज सैफई के लिए रेफर कर दिया, लेकिन उपचार के दौरान निखिल की मृत्यु हो गई। चलिए फिलहाल के लिए वन उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वन टीवी। नमस्कार।